बाड़ा के थाना सदर क्षेत्र शहीद नगर मौजूद हैं, जहां पर हमने बदल सोसाइटी के प्रेसिडेंट शहीद आलम बबलू मौजूद हैं। मैं उनसे मुखातिब होकर बीते जो पर्व गए हैं उनके पीछे में खास बातचीत करने के लिए यहां हाजिर हूं। मैं चलिए इनसे पूछता हूं, अपने कैमरामैन से कहता हूं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहीद आलम बबलू। बबलू ये बताइए, जो बीते में जो हिंदू मुस्लिम एकता के पर्व गए बीते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई जो एक होली का पर्व जो गया है, जो एक संदेश देता है हिंदुस्तान के अंदर कि एक रंगों का त्यौहार है। इस रंगों के त्यौहार में ये माना जाता है कि सब लोग एक दूसरे के माथे पर लगाकर या एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाकर एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को संदेश देते हैं। यही हिंदुस्तान की भाईचारे है और यही नीति है। सर जी बताइए, जहाँ होली का पर्व मनाया जाता है, वहीं जो है शबे बदात का ही पर्व मनाया जाता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये है हिंदुस्तान की परंपरा, एक ही दिन होली का त्यौहार और एक ही दिन शबे कदर की रात। दिन में जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया गया होली के माध्यम से, और रात में शबे कदर की रात में जो दुआएं हुई इस हिंदुस्तान के लिए, जो अल्लाह ताला से सब लोगों ने दुआ की, सब लोगों ने अपनी मगफरत की, मुसलमानों की मगफरत के लिए दुआ की, ये देखिए क्या दिन मिला था। शहीद आलम बबलू जी ये बताइए, जो पवित्र रात है जिसको आप शबे बारात कहते हैं, उस पर खास वक्त क्या मांगी जाती है, थोड़ा रोशनी डाल। देखिए ये अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रात होती है। जो आदमी एक तरीके से ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं इंसान के अंदर, वो यही एक रात होती है जो अपनी गुनाहों की माफ़ी जो मांगता है, गड़गड़ा कर रो रो कर अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला ने वायदा किया है कि एक बार तू रो कर तो मुझसे मांग, इंशाल्लाह देने वाला मेरी जात है, मैं दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है बड़ा गफूर रहीम है, और पूरा मुसलमान इस रात को पूरी तरीके से इबादत करता है और पूरी तरीके से जगार करता है, अल्लाह से रो रो कर दुआ करता है। ये बताइए, जो हिंदू मुस्लिम पर्व थे शबे बारात होली को जो संपन्न किया है आगरा प्रशासन द्वारा, जो भाईचारे से संपन्न कराया है, आगरा प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आगरा प्रशासन की भी बहुत सराहना करता हूं मैं कि बखूबी तरीके से उन्होंने अपना SSP साहब ने, कप्तान साहब ने भरपूर तरीके से अपना सहयोग किया और बड़ी मेहनत शिक्षक के साथ दोनों पर्वों को बड़ी खूबसूरती के साथ अदा करवाया, और कहीं भी कोई ऐसी मामला सुनने को नहीं आया, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़िया तरीके से और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ सभी लोगों से आगरा प्रशासन के लिए भी कि और तरक्की दे उन्हें, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रखा। ये थे शहीद आलम बबलू, जो अमने बदन सोसाइटी का परचम लहराते हुए अपनी कमेटी को संचालित करे हुए हैं, जिनके जो कमेटी में है हर वर्ग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई इनसे जुड़े हुए हैं, और सुनने को मिला है कि सब समाज के चहेते भी हैं जो सुलेखुल नगरी में आप निवास करते हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से आगरा में हिंदू मुस्लिम पर्वों को प्रशासन द्वारा भाईचारे सादगी से संपन्न कराया है, आगरा प्रशासन बागी बधाई के पात्र है। और इनका कहना था कि जो मुस्लिमों का जो पर्व था शबे बारात, उस रात में जिसको इबादत रात कहते हैं, खास तौर से दुआ मांगी जाती है देश मामलेवान के लिए और अपनी ज़िंदगी की गुनाहों के लिए माफ़ी की जाती है। अब देखना यह है कि हमारा जो आगरा शहर है अपने भाईचारे को कहां तक ये एकता का संदेश में बांधते हुए और विश्व को ये संदेश देता है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं अपना कैमरामैन बाजिद खान के साथ मोहम्मद अजीम भारती, ADA न्यूज आगरा।